जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश साफसाना, खामोश साफसाना, खामोश सा तुम यहाँ? अरे सिद्धार्थ कैसे हैं? हाँ। तुम जानते हो सिद्धार्थ को? हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम जानती हो? अरे पड़ोसी है वो, मेरा बचपन के दोस्त है हम। क्या बात कर रही हो? सिद्धार्थ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, तुमने बताया नहीं कभी। तुम्हें पता है बहुत अच्छा लड़का सिद्धार्थ। और हाँ उस दिन जब मैं कॉलेज छोड़ने आया था जिसको, सिद्धार्थ ही तो था। और तुमने? और मैंने क्या छोड़ा? सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे क्या हो जो चुप क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम और वाणी, एक मिनट मैं बताती हूँ। ये अर्जुन कपूर है, माँ जिनकी कंपनी के लिए वो रंगाई का काम करती है। तो आप हैं कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक? नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे डैड है। यार मैं तो अभी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वाणी यार दिस इज नॉट फेयर यार, बचपन का दोस्त मिल गया तो ऐसे इंट्रोडक्शन दोगे मेरा? कम ऑन यार, मैं दोस्त भी नहीं रहा तुम्हारा। मिस्टर अर्जुन कपूर, आप क्या हैं हमारे परिवार के लिए बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा हम भी तो सुने क्या है। सिद्धार्थ तुम वाणी को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन वाणी सिद्धार्थ मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। याद है सिद्धार्थ कल जब हम मिले थे तो यही हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। कल जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो सिद्धार्थ ही है? कमाल है, जिंदगी हमें कहां कहां कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, कोई जान भी नहीं सकता। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुको ना। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको ना यार, अभी तो आए हो। ये सामान देना था माँ को। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फुर्सत से यार। अच्छा आती हूँ मैं, मिलती हूँ। हाँ दादा साहब दूध पी लीजिए। बहू जी क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं तो दादा साहब। नहीं नहीं कुछ बात तो है, बैठो बताओ मुझे क्या बात है, क्या है बताओ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, घर में सब बहुत परेशान हैं, जिसको देखो उखड़ा उखड़ा सा ही नजर आ रहा है। हाँ वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। ये सब तो बहुत चालाक है, फिर इतनी चिंता में क्यों है दादा साहब? भाई मुझे तो ये लगता है कि इन्हें ये समझ में आने लगा है कि चालाकी से कुछ नहीं हासिल होने वाला। ये तो आप सही कह रहे हैं दादा साहब, जितना आपको समझाना था आपने समझाया, मैं जो कह सकती थी मैंने कहा, पर ये लोग सुनते कहाँ हैं? सब सुनेंगे बहू, सब सुनेंगे समझेंगे, लेकिन समय के साथ। मैं इस बात को लेकर डरता हूँ कि कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। हाँ दादा साहब वो तो है। अरे अगर मेरी तरह व्हीलचेयर पकड़ लेने के बाद कुछ समझ आया भी
तो क्या फायदा उसका? ऐसा मत बोलिए दादा साहब। सच तो यही है बहू। पता है दादा साहब, कल घर में बहुत अजीब सी बात हुई। ऐसी क्या बात हो गई अजीब? हरिहर मामा है ना, उनको कल पिताजी मारने के लिए चढ़ गए, पर ना जाने क्या सोचकर रुक गए। अरे ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था बहू। अरे वो हरिहर ही तो है सारी मुसीबत की जड़। वो स्वरूप नारायण के दिमाग में हर वक्त पता नहीं क्या फूंकता रहता है। हरिहर मामा का तो दिमाग ही ऐसे कामों में लगता है, कब कैसे किसको धोखा देना है यही सोचते रहते हैं। पछताएगा वो भी, पछताएगा एक दिन। पर दादा साहब, पिताजी बहुत परेशान हैं अपने बिजनेस को लेकर। अब अपने ही हाथों से अपने ही बिजनेस को गड्ढे में पहुंचा दिया उसने, अब परेशानी तो होगी। वो तो बात करने भी गए थे केशव जी के पास में। केशव जी वो कपूर इंडस्ट्रीज वाले केशव ना? हाँ दादा साहब, झूठ बोलकर उनके ही तो सैंपल भेजे थे पिताजी ने, अब वो हरजाना मांग रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? पता नहीं, लगता है वो लोग माने नहीं। अरे मानना भी नहीं चाहिए बहू। तुम किसी के साथ बेईमानी करो और वो तुम्हारे साथ संतों जैसा व्यवहार करे, गलती की है तो भाई भुगतना तो पड़ेगा ही। मगर पिताजी और इनको परेशान देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है दादा साहब। देखो बहू, पीड़ा तो मुझे भी बहुत है, इसीलिए मैं इन लोगों को ये समझाता रहता हूँ कि ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कारोबार को करो और जीवन सुख से काटो आराम से। लेकिन तुम दूध में नींबू डालोगे ये सोचकर कि दूध बढ़ जाएगा, तो दूध तो बढ़ेगा नहीं, फट हो जाएगा। लेकिन कौन समझाए लोगों को? किधर, कैसे हो? अच्छा नहीं हूं। क्यों, क्या हुआ? छोड़ो, तुम क्या करोगी जानके? अच्छा जी, मेरा दोस्त परेशान है और मैं क्या करूंगी जानके, ये तो कोई बात नहीं हुई। जल्दी 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 से बताओ क्या हुआ। एक दोस्त ने दोस्ती नहीं निभाई, भूल गया वो मुझे। क्या बोल रहे हो, किस दोस्त के बारे में बात कर रहे हो? कितने दोस्त हैं मेरे, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। एक मिनट, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? नाराज हो मुझसे, क्या हुआ? क्यों ना हूं मैं नाराज, वानी क्यों ना हूं मैं नाराज। मेरी बचपन की दोस्त, मेरी बचपन की दोस्त की जिंदगी में कोई स्पेशल आ गया और मुझे पता ही नहीं। वो तो अर्जुन को मैं पहले से जानता था इसलिए मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, गुड चॉइस, अच्छा लड़का है। जी अच्छा है, कमाल का लड़का है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जैसा तुम सोच रहे हो फिलहाल वैसा कुछ भी नहीं। वानी ऐसा तुम अब बोल रही हो क्योंकि तुमने मुझे पहले नहीं बताया। हाँ देखो, मैं नाराज नहीं हूं, अर्जुन की जगह अगर कोई और लड़का होता मैं जरूर नाराज होता। वो अच्छा लड़का है, तुमसे प्यार भी करता। ये सच है सिद्धार्थ, कि अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है और वो अपने दिल की बात मुझे बता भी चुका है। लेकिन मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया, या यूं कह लो कि मैंने उस तरह से सोचा ही नहीं। क्या बोल रही हो बहन? एक लड़का जो गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, केयरिंग, ऑनेस्ट और अमीर,
और तुम बोल रही हो कि तुम उससे प्यार नहीं करती। कोई कोई स्पेसिफिक रीजन है? सिद्धार्थ, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं और अर्जुन बहुत अलग हैं। वो एक अलग तरीके के माहौल में पला बड़ा लड़का है और मैं बिल्कुल अलग। किसी को दोस्त बना लेना अलग बात होती है, लेकिन अपनी जिंदगी किसी के नाम कर देना बहुत कुछ सोचना पड़ता है। या यूं कह लो, मैंने अभी तक उसे उस नजर से देखा ही नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम आगे ऐसा कुछ ना सोचो। सिद्धार्थ, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम में से कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ ना, तो ये दोस्त अपने इस दोस्त को जरूर बताएगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अगर ऐसा एहसास अर्जुन या किसी और के लिए मुझे कभी भी हुआ ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। लेकिन ये बात भी सच है कि फिलहाल मैं इस तरीके की बातें सोचना ही नहीं चाहती। तो मैं चलूं अब? कहीं काम से जा रही थी? हुसैन बाबा से मिलने जा रही हूँ उनकी दुकान पे। आओ, मैं छोड़ता हूँ। अरे इट्स ओके, ये तो रही दुकान, यूं चली जाऊंगी। शाम को मिले मेरे घर चाय पे। चलो, सी यू इन द इवनिंग, बाय। बाबा, आजकल कठपुतलियों का काम कुछ कम होने लगा है। नाम वलम है पास में अपना नमाल उजर, हमसे खिलाफ होकर करेगा जमाना क्या। सो तो है सतीश भाई, सो तो है। आजकल कठपुतलियों का नाच देखने की फुर्सत है किसी के पास? आजकल सब लोग अपने घर बैठे बैठे वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट और वीडियो गेम्स का मजा लेते रहते हैं, और अपने घरों को क्या बोलते हैं, ये बिजली के लैंप और ये प्लास्टिक के फूलों से सजाते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। अल्लाह मियां हमेशा देता है। आज तक किसी को भूखे पेट सोने दिया है? हमेशा देता है वो, पहले से देता आ रहा और आगे भी देता ही रहेगा। बाबा। ओहो, आ जाओ। अरे वाह, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चाय पीने का बहुत मन था। चाय मंगवा ले। हाँ बाबा, अगर चाय के साथ साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे हो जाए तो कैसा रहेगा? गरम गरम आलू के परोठे, वाह साहब वाह, सोने पे सवा। अभी खोलिए कबाट, ठंडे हो जाएंगे। सुनो मेरी बात, सतीश जल्दी जल्दी जाओ और चाय लेकर आओ, बल्कि खुद अपने हाथों से बनवाओ और गर्म गर्म आके पिला दो। जाओ। ओहो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आज तुमने अपनी माँ को तकलीफ दी ये परोठे बनाने की? जी नहीं, ये पराठे मैंने खुद बनाए अपने हाथों से, और आपके लिए ही नहीं, बापू साहब, माँ और सुंदर के लिए भी। वाह वाह, बहुत तरक्की कर रहे हो तुम जिंदगी में, यानी कि तुमने अपनी माँ को परेशान नहीं किया बल्कि उन्हें खुश भी किया, उन्हें आराम भी दिया। वाह वाह अल्लाह वाह। लेकिन एक बात है, तुम्हारे चेहरे का ये नूर कुछ और ही बता रहा है, ये रौनक कुछ और ही बता रही है। क्या बात, क्या बात, रौनक? क्या बात? कैसी रौनक? ऐसी तो कोई बात नहीं है। कैसी रौनक, वाह वाह वाह। तुम्हारे बापू साहब बता रहे हैं कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हो। हाँ हाँ, क्या बात है? हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई तो बात है, कोई तो बात है। अच्छा ये बताओ, किसी के जिंदगी में आने की खुशी है तुम्हें? अब शर्माओ मत, शर्माओ मत, हमें सब कुछ बताओ। हम तो तुम्हारे बाबा हैं ही, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त भी तो हैं। हैं, और वो भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त।
तो बताओ ना क्या चक्कर है, बताओ क्या बात है। हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई तो बात है, कोई तो बात है। अच्छा ये बताओ उससे मिलकर तुम्हें अच्छा लगता? हाँ लगता तो है। और अब हर पल तुम उससे मिलना चाहती हो? बाबा आप ना बहुत शैतान लगा रहे हैं। कुछ नहीं, बस वो दिन जल्द आ जाए जब एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आकर हमारी राजकुमारी को छीन कर ले जा। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो ना बहुत आगे की सोच रहे हैं, मैंने तो इस बारे में भी सोचा भी नहीं है। देखो मैं सब जानता हूँ, मैं जब तुमसे पूछता हूँ तो तुम शर्मा जाती हो और जवाब देने से बिल्कुल तुम मन मेरी बात को तुम हमेशा टालने की कोशिश करती हो। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। पता नहीं बाबा मेरे दिल में क्या है अभी तक खुद ही नहीं समझ पाए, बहुत सोचने की कोशिश की, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये दिल जो है ना ये बहुत कमाल की चीज है, जब ये दिल किसी को चाहता है ना तो हमें बता दे और फिर पूरी ताकत के साथ हमें उसकी ओर खींच लेता है, लेकिन हम ही नादान हैं जो दिल की बात को समझने की कोशिश नहीं करते। अरे वाह मियाँ वाह, सतीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए देखिए यह आप लीजिए गर्म गर्म, और देखिए यार मोहब्बत की बातें अब छोड़ दीजिए, अब ये देखिए इससे कहते हैं मोहब्बत, चाय और आलू के परौंठों की मोहब्बत, वो भी वाणी के हाथ। हाय 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 हाय, ये तो देखो सूरज आज कहाँ से निकला, आज पराठे तुमने खुद बनाए हैं मां, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आप खोल लो। दिल जो है ये बहुत कमाल की चीज है, जब ये दिल किसी को चाहता है ना तो हमें बता देता है और फिर पूरी ताकत के साथ हमें उसकी ओर खींच लेता है, लेकिन हम ही नादान हैं जो दिल की बात को समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तुमसे प्यार है अर्जुन, प्लीज लग गया। हेलो हेलो अर्जुन, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी फोन ना गलती से लग गया। अरे वाह ये तो बहुत खूबसूरत गलती हो गई तुमसे। अच्छा सुनो, अब ऐसी गलती हो ही गई है तुमसे तो बात कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, वैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब? अरे ऐसा डिस्टर्ब तो रोज होने के लिए तैयार हूँ मैं। अर्जुन तुम भी ना बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कोशिश करता हूँ यार, कभी तो इंप्रेस हो जाओगी तुम। घूम फिर के ना तुम्हारी गाड़ी एक ही जगह आके रुकती है। अच्छा वाणी तुम्हें याद है उस रात चांद को देखकर तुमने क्या कहा था?
लगा ना कि चांद तुमसे बहुत दूर है। हाँ तो ठीक ही तो कहा था। माने चांद चाहे जो भी हो ऐसा भी हो घूमता तो धरती के ही चारों ओर है ना, उससे दूर होकर भी कभी दूर नहीं हो सकता। मेरी सांसों में आवाज उसी की है, मेरे गीतों में आवाज उसी की है, मैं चाहती हूँ कुछ और वो कुछ और। कुछ तो था उन दोनों के बीच जो बना रहता था, बचा रहता था। ठहरी हुई हवा थी, बीते हुए लम्हे थे, कहीं दूर बजता संगीत था और बेतरतीब धड़कता दिल था।